बजने को है, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दसवीं और बारहवीं की परीक्षा कराने को लेकर देश भर में छात्र हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री को सुनना चाहते हैं। आज तक पर आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक दसवीं और बारहवीं की परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के हर एक सवाल का जवाब देंगे, जिसका स्टूडेंट से सीधा सरोकार है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक अहम बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के दखल के बाद ये परीक्षाएं रद्द की गई हैं। इसके पहले ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन दसवीं और बारहवीं की परीक्षा को टालने की मांग कर चुकी है। इस संबंध में एसोसिएशन की ओर से शिक्षा मंत्रालय को एक चिट्ठी भी लिखी गई थी। इसके साथ ही छात्रों ने भी सोशल मीडिया पर कैंसिल बोर्ड एग्जाम 2021 कैंपेन चला रखा था। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण ने परीक्षाओं पर ब्रेक लगा दिया है। केंद्र सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की दसवीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है और सीबीएसई बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होनी थी। दसवीं की परीक्षाएं जहां 7 जून तक तो वहीं बारहवीं के एग्जाम 14 जून तक होने थे, लेकिन कोरोना संक्रमण ने इन पर अब ब्रेक लगा दिया है। कहा जा रहा है कि दसवीं के स्टूडेंट्स रिजल्ट के साथ अगली क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे। वहीं इस रिजल्ट का आधार क्या होगा, इसको लेकर सीबीएसई बोर्ड फैसला लेगा। वहीं आज रात केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक अहम बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के दखल के बाद ये परीक्षाएं रद्द की गई हैं। इसके पहले ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन दसवीं और बारहवीं की परीक्षा को टालने की मांग कर चुकी है। इस संबंध में एसोसिएशन की ओर से शिक्षा मंत्रालय को एक चिट्ठी भी लिखी गई थी। इसके साथ ही छात्रों ने भी सोशल मीडिया पर कैंसिल बोर्ड एग्जाम 2021 कैंपेन चला रखा था।